हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द वेरी वेरी एंटीसिपेटिंग गेम ऑफ द ईयर 2024। ये है ब्लैक माइक वुकोंग, ये है एक मंकी किंग की कहानी और ये आधारित है एक चाइनीज नॉवल जर्नी टू द वेस्ट के ऊपर। इसमें जो मंकी किंग होता है उसके 6 रेलिक्स अवशेष कर दिए जाते हैं और उनको सभी को वेस्ट की तरफ बिखेर दिया जाता है और जो डिस्टेंट वन होता है वो 6 रिलिक्स को प्राप्त करने के लिए वेस्ट की तरफ ट्रैवल करता है और उन सबको लाकर इकट्ठा करता है। यही कहानी है इस गेम की और ये गेम आधारित है जर्नी टू द वेस्ट नॉवल पर, चाइनीज नॉवल पर। और इस गेम को आज हम खेलेंगे, शुरुआत करेंगे इस गेम की, तो आप भी मेरे साथ बने रहिए। और ये है हमारा आज का इस गेम का गेम प्ले नंबर 1। ये शुरू होगी हमारी गेम स्टार्टिंग स्क्रीन से ही। अरे भाई साहब, क्या बड़े बड़े दैत्य आकार के ये बॉसेस हैं। ये मुझे लग रहा है ये शैतान हो सकते हैं, मुझे लग रहा है। ये एक तरह का कटसीन ही है, इसमें कुछ भी मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, ये बादलों पर बैठकर जा रहा है। जहां तक मैंने इस गेम के बारे में पढ़ा है, जो ये है मंकी किंग वुकोंग, ये अमर है। इस पर किसी भी हथियार का कोई भी असर नहीं है। लो भाई देखो, कितने बड़े बड़े बॉसेस हैं। वाई साहब, क्या सुंदर ग्राफिक है इस गेम के। बढ़िया भाई, बढ़िया। पूरी आर्मी लेकर आए हैं वुकोंग को हराने के लिए। वो कौन, मंकी किंग देख रहा है सभी को। माय मास्टर सेफ, द स्क्रिप्चर्स साउंड, ऑल आई एवर वांटेड वाज अ लाइफ इन माय माउंटेन फ्री फ्रॉम यू एंड योर सो कॉल्ड मेरिट्स। Those high above don't trust me. I understand that. Oh, भाई, मंकी किंग कह रहा है कि मैं तो अपनी माउंटेन में आराम कर रहा था और आपने मुझे बुला लिया तंग करके। आपकी परवाह नहीं, मैं कुछ करता था, वहां आराम कर रहा था, आपको मेरी मुझे बुलाने की जरूरत पड़ गई, तंग किया, मैं आ गया। यह है बॉसेस का कुत्ता, डॉग बॉसेस का। यह भी मंकी किंग को धमकाने के लिए नीचे उतर आया है, डराने के लिए। भाई सब ग्राफिक चेक करो भैया एक बार। ओ, वो कुत्ते को कह रहा पीछे हटो, पागल कुत्ते पीछे हटो। Mark this. He's not just any monkey. He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha once. None other than me can challenge him to a duel. Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. ये कह रहा है कि ये कोई आम मंकी नहीं है, इससे मैं ही लड़ सकता हूँ। ये एक बार बुद्धा भी बन चुका है। But if I lose,
कह रहा तुम जीत गए तो ठीक, अगर हार गया मैं, हार भी गया तो ये तुम्हारी माउंटेन को मिट्टी कर देंगे, खत्म कर देंगे तुम्हारी माउंटेन को। How tragic would that be, huh? You are one of the court. We don't need to resort to violence. कह रहा मेरे आगे घुटने टेक दो। You bend the knees, admit the wrong. ओ वो कौन है ऐसे घुटने के हाथ देखने वाला है, वो लड़ेगा तेरे साथ। All these years, except for that pig. कह रहा तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से मेरा मनोरंजन तो बहुत हुआ। कह रहा तुम्हारी जो तीन आंखें हैं उसमें से एक आंख तो मैं अपने पकौड़े बनाऊंगा, बाकी दो आंखें तुम्हारे पास रहने दूंगा। कह रहा है आ जाओ दो दो हाथ करी लेते हैं, ऐसे क्या जरूरत पड़ी है एक दूसरे को कमजोर बताने की। लो भाई अब इनकी लड़ाई शुरू, अब है मेरे हाथ में कंट्रोल इनकी लड़ाई के, अब देखना तेरे को मार मार ऐसे कमड़ा करता। ला भाई जो भी सभी पावर्स हैं बरती जाएंगी तेरे ऊपर, तुझको नहीं सांस लेने दूंगा। वो कॉन्ग मंकी किंग से तेरा मुकाबला है, ऐसे वैसी बात थोड़ी है। इमॉर्टल है वो, मरने वाला नहीं है वो, तेरी तो नली काट के छोड़ूंगा। देख अब तेरे को पड़ते लफेड़े। चल भाई your escape was a crime in itself, your defiance only compounded. ला भाई अब देख मंकी किंग की पावर। तेरे को भी पता लग जाना चाहिए ऐसा ही नहीं मंकी किंग तू भी होगा बॉस। The victorious fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality? For that word. चल भाई अब तेरी लगाता हूँ तौड़ी, तेरा पीट पीट के मोर बनाना है अब। ला ये है पावर वुकोंग की, इसको इमोबिलाइज बना देता है जे। अब और भी पावरें दिखाऊंगा तेरे को। ये भी एक पावरों में पावर है भूकंप की, अपने जैसे कितनी बनाकर इसको कमड़ा करना। देखता जा तू अब। कह रहा था ना सेलेस्टियल कोर्ट में लेकर जाऊंगा तेरे को, हरा कर। कह रहा है अपने बरखा मुझे दे दे, मेरे पीठ पे खुजली करनी है इससे। अच्छा मजाक बना रहा है उसका। अरे ऐसी थोड़ी वो भूख कौन पी गया है मर। ले भाई
गया अब तुझे नहीं बचेगा रे। थोड़ी सी पावर ही रहेगी इसकी अब। ले भाई देखो किस लेवल की फाइटिंग हो रही है भाई, जबरदस्त है गेम पे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो बड़े बड़े बॉसेस दिखाए ये सभी स्टोरी में, इस मेन स्टोरी में मिलने वाले हैं। यानी कह दिया जाए तो गेम बिल्कुल भी आसान होने वाली नहीं है। लो भाई सभी ने हमला कर दिया इकट्ठे ही। लो भाई उस पर अपनी कुहाड़ी फेंक मारी। ओह ला, अरे भाई जेक कुहाड़ी तो सीधी जाकर उसके माउंटेन पे लगी, मुझे ऐसे लग रहा है। Rat, you call that a duel? The glare here is dazzling. मजाक करके भाग गया, मुझे तो ऐसे लग रहा है कह रहा ड्यूल के लिए बुलाया और इतनी रोशनी कर रखी है, मेरे जंगल में आके लड़ो। यानी शायद वो ये भी कहना चाहता होगा सभी को अपने साथ मिला लिया वो और मुझे मेरे गेने स्टोकर सभी इकट्ठे होकर लड़ रहे हो, जंगल में आ जा अकेले अकेले हाथ करते हैं, मैं भी अकेला तुम भी अकेला। अरे ये क्या हो गया? ओ भाई इसका मुकुट जो था उस पर कुछ शस्त्र कर दिया उन्होंने। भूकंप मुझे लग रहा है गिर रहा है। ओ भूकंप के मार दिया उसने अपना वो था बचा, तो भूकंप गया माउंटेन के अंदर। इस तरह कह रहे हैं भूकंप की कहानी खत्म होगी, कह रहे हैं उसने अपनी फ्रीडम को सभी खजानों के ऊपर रखा। बुद्धहुड ही अटेन्ड यस बट कंबसम ही फाउंड द सेलेस्टियल रूल्स फॉर ही यर्न्ड टू कम बैक एंड टू रेवल इन द सिंपल जॉयज विद अस। Little did he know his choice. वो कौन को मुझे लग रहा है पत्थर बना दिया जहां पर। Only fueled their mistrust. भाई वाह। This stone has stood for countless days on the mountain since my youth. इसके जो है अवशेष या रिलिक्स हैं वो लाकर जहाँ पर लाने हैं, अगर वुकुंग को दारा से निर्मित करना है तो। Unbegotten, undying, such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures. वेस्ट की तरफ इसके शेयर लिक्स हैं जो वो बिखेर दिए गए हैं। अवशेष कह लीजिए लिक्स को, वो बिखेर दिए गए। Those are the six senses of the great sage. Yet no one has ever seen them, not in centuries. ये कह रहा है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वो रिलिक्स को मैं तो नहीं ला सकता। Yet among you, there might be one who is destined. कह रहा है डिस्टाइंड वन है, जो डेस्टिन वन है वो आप में से कोई जाएगा वो लेकर आए
6 relics and को upon the return of the relics to Mount Tuaguo, he may yet rise again. इसीलिए इस को एक तरह से द जर्नी टू द वेस्ट बोला गया है और ये चाइनीज नॉवल पर आधारित है गेम, जहां से मारी शुरू होती है ब्लैक नाइट वोकांग, इसका चैप्टर बना है भैया महाराज। ये एक सेम सा बड़ा लग रहा है भाई देखने को तो। ये क्या आ गया? ये पता नहीं लुंगड़ी है, पता नहीं बियर है, कुछ ऐसे तरह का लग रहा है जानवर। एक दरख्त से गिर गए हैं ये, कह रहे हैं ये लग रहा है किसी पेड़ से। ओ भाई ये तो हमारा मंकी है वो, दिस टैंक बन अपना स्टाफ, जो जैसे डंडा है ना उसको स्टाफ बोलते हैं। पूरी गेम में देखेंगे कि ये जो मंकी है जिसको हम बोल रहे हैं स्टैंड बन, वो स्टाफ से ही पीटेगा सभी को। धीरे धीरे गेम में जो स्टाफ अपडेट होता रहेगा, पावर बढ़ती रहेंगी उसकी भी। अभी कुछ लिमिटेड पावर्स होंगी इस डंडे में भी और हमारे मंकी में भी जिसको डिस्टाइन बंद बोलते हैं। कुछ ना कुछ जो भी मिले उसको उठाते आना है, अभी तो नहीं मालूम किसका क्या काम है पर उठाते आना है। पर आपको साथ साथ में ये गेम अलग दूसरी गेम्स में से अलग भी है, इसमें कोई मैप नहीं है, बढ़ते ही जाना है। पता नहीं किस और बढ़ना है, बढ़ना ही बस। वो एक गेम देखी थी जो मैं अभी खेल रहा हूँ, वो नाम था उसका द गोस्ट ऑफ सुशीमा। उसमें भी मैप नहीं था, मैप ओरिजिनल मैप था पर लेकिन मिनी मैप नहीं था गेम के अंदर, गेम प्ले के अंदर। उसमें वो थी जो एयर थी, हवा थी, वो हमें दिशा दिखाती है जहाँ पर, तो वो भी नहीं है। ऐसे ही सभी को पीट कर मारते आना है, लाइट और हैवी टैक डॉच, बस ब्लॉक नहीं है इसमें। अभी तक जो जो है स्टंटमैन, इसने कोई एक आदमी डायलॉग नहीं मारा। जब वो ओल्ड आदमी से बात भी कर रहा था कोई डायलॉग नहीं मारा था, बस सुन रहा था उसकी। पता ही नहीं इसके अंदर जो गूंगा ही ना हो। ये श्राइन है, आते रहेंगे, जहाँ पर रेस्ट कर सकता है, चीज़ों को अपग्रेड किया जा सकता है, एक तरह से चेक पॉइंट भी बोल सकते, चेक पॉइंट जहाँ पर हम जब भी कोई इसी गेम में अपने आगे वाले राउंड में काम नाकामयाब होंगे वहीं आकर रुक जाएंगे द्वारा। ये है रखवाले, Keeper of Black Wind Mountain, I have long been waiting for your arrival. Oh, his spitting image. I'd say. Up ahead is Guan Yin Temple. Once it was bustling with worshippers. Before it was ruined by that fire. Ah. Then the temple was rebuilt. Oh, what good is it to rebuild a temple if the goodwill of men has been burnt to ashes? You've forgotten this place, but they haven't forgotten you. That's a tough one. सभी को कह रहा है कि जंगल में पता लग गया है कि तुम आ गए हो।
और तुम्हारी जो है तुम उसी वुकोंग की से मिलते जुलते भी हो। मालूम था कि तुम आओगे एक ना एक दिन, पर आगे हमें जहाँ से बढ़ते ही जाना है। चल भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, गेम जरा भी इजी नहीं होने वाला, इसलिए कुछ भी मिले उठाते आना है। साथ ही साथ अपना स्टैमिना और अपनी जो लाइफ है, हेल्थ है, उसको मेंटेन करके रखना है ताकि आगे वाले लोगों से लड़ सको। पहले पहले थोड़ी सी मुश्किल आएगी, मुझे भी देख रहे हैं, जो ये मारा मैंने थोड़ा सा उसमें से मुझे सेल थोड़ी सी कम होगी, मेरी हेल्थ कम होगी, क्योंकि अभी कुछ मालूम नहीं है कैसे करना है। थोड़ा सा खेल लोगे तो इजी हो जाएगा। इस गेम में एक बात है, हर थोड़ी सी आगे बढ़ने पर ही बॉस, हर 5 मिनट में मिलेंगे बॉस। लो भाई, कर दिया इसको भी कमड़ा। अब जी आ गया बॉस भाई, इसको अब खत्म करना है। आधी पावर बाकी रह गई इसकी। एक बात और बता दूं, हम किसी को भी बॉस को मारे बिना आगे बढ़ेंगे तो उतना ही आगे गेम में चलकर हमें मुश्किल आने वाली है। अगर हम मारकर आगे बढ़ेंगे, ओ ये क्या, मारकर आगे बढ़ेंगे तो हमारी पावर उतनी बढ़ती रहेगी, क्योंकि उस जिस बॉस को मारेंगे वहाँ से हमें कोई ना कोई पावर लाजमी मिलेगी। ओ ये वही जंगल का रखवाला, इसकी एक देखिए शकरकंदी की तरह होता है ना, उस तरह शक्कर है इसकी। ये कोई स्पेल दे रहा है, मोबलाइज स्पेल बोल रहा है उसको। अच्छा तरीका है अगर किसी को मारना हो बॉस को, मोबलाइज स्पेल लेकर उसको रोका जा सकता है कुछ देर के लिए, ज़्यादा नहीं रुकेगा, 5-3-4 सेकंड के लिए रुक जाएगा। उसमें चाहें तो आप अपनी हेल्थ को रिगेन करें या फिर उसको बीट डालें, थोड़ी सी उसकी हेल्थ कम कर दें, दोनों कुछ ही कर सकते हो, वो आप पर है। You'll be able to hold them in place while giving yourself a breather. Sadly, mine is but a humble trick. Its power will wear off within a few short moments.
though it's good enough against boneheads like this one. Lo bhai, just consider it an ace up your sleeve. अब इसको उसी पावर से मजा दिया जाए. चल भाग अब मार उसको. अब इसके दो चार लगा लीजिए. मैं आप सभी को एक बताना चाहूँगा कि जब भी किसी बॉस को मारना हो उसके मूव जो हैं उस पर ध्यान दिया जाए. उस हिसाब से डॉच प्रयोग करके उसको मारा जाए. अभी थोड़ी सी पावर आएगी उसकी. अब चलो भाई मारो इसको, ख़त्म करें इसको. लो भाई कर दिया डिफीट इसको. अब आगे बढ़ते हैं. लो भाई जो भी दिखे उसको मारते आना है. इससे कुछ एक बिल लिखा हुआ है वो बढ़ता जाएगा. उसको उससे हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, अपडेट पॉइंट्स, अपग्रेड पॉइंट्स इनफैक्ट मैं कहूँ. उससे हम अपनी जो स्किल्स हैं, चाहे वो स्टैमिना हो, चाहे लाइफ हो, हेल्थ हो, उसको रिकवर कर सकते हैं. अपने डंडे की मार को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं. इसलिए अब आगे खड़ा है एक मेरे ख्याल में. चल भाई अब थोड़ा सा मेरा हाथ सेट होने लग गया है पीटने के लिए. ओ ये जहां पर मुझे लग रहा है उसको मेडिटेशन करनी है. अब आगे बढ़ते हैं. कुछ भी मत छोड़िएगा, कुछ भी जो भी मिलता है कलेक्ट करने के लिए वो लेते आइएगा. बस मैं ये कह रहा हूँ, ये लाइट दे रही है हमें आगे जाने का सिग्नल. ये वो फिर श्राइन आ गया. यहाँ पर कुछ भी हम अपनी पावर बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं. अगर हम अपना जेक करना चाहें क्यूब
क्यूब कर सकते हैं अपने वस्त्र। कॉस्ट्यूम है जो कह रहे हैं आर्मर, उसको पहन सकते हैं। अपनी हेल्थ बढ़ाई जाए क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ओ, ये फिर वो जंगल का रखवाला। Hey, witch! You don't think you can just parade in, do you? It's not that simple. Let me transform you into a golden cicada. Golden cicada में बदलेगा। Fires ahead. Scout this mountain. कह रहा है कि ये खतरनाक है जगह। गोल्डन स्काडा में बदलोगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। It might be humble, but my shrine is very versatile. मधुमक्खी बना दिया उसको भाई। अब करो ट्रैवल बन के मधुमक्खी। Cicada form, they help you explore, but beware, this form does not last forever. Should you find yourself lost, just follow my voice. Now, off you go. That rusted monk is roaming again. Rest won't come easy tonight. They say monks don't kill, but that rusted monk wouldn't mind killing us if we cross him. भाई साहब मुझे जहाँ लग रहा है कोई बॉस फाइट ना हो जाए। वो भाई साहब बॉस फाइट ही होगी। Another monkey I see. Why don't you lay down your weapon and join me in goodness mercy? What say you? से आपने नोट किया होगा आर्मर बदला हुआ है, क्योंकि किसी को भी हम बॉस को एक बार में नहीं मार पाएंगे। ये मैं सच बोल रहा हूँ, ये मैंने दूसरी बार में मारा था और मैं आर्मर लेकर आया था, वो मैं एडिटिंग में कुछ पोर्शन काट दिया। बहुत ताकत है इसमें भी, ध्यान से मारना पड़ेगा। डॉज का अच्छे से इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ जो एक मिली है मोबिलाइज की पावर, इसके जो है ना मूव, उसको नोट करना है। अच्छे मोबिलाइज कर दिया, अब इसको पीटते हैं।
भाई बहुत जोर जोर के मार रहा है, बहुत मुश्किल है मारना इसको। देख लीजिए इससे बचना भी है अपना स्टैमिना ऊपर। स्टैमिना की बात एक बताना चाहूँगा, अगर आपके पास स्टैमिना है तो आपका जो छोटा सा अभी बार है वो अच्छे से लगेगा, हैवी अटैक हो या लो अटैक हो लाइट अटैक हो। अगर आपके पास स्टैमिना की कमी है तो आपका अटैक भी अच्छा असरदार नहीं होगा। आज का जो हमारा दूसरा बॉस था, अब इसकी जो छड़ी है वो हमें मिल गई है। हम किसी भी और बॉस को मारना होगा, हम इसकी शक्ल में ट्रांसफॉर्म होके उसको मार सकते हैं। अब जहाँ पर देख लिया जाए क्या क्या है। उधर कुछ है, रिंग द बेल, खाम खाम में पंगा क्या लेना, जो काम आए वो करते हैं। ऐसे रिंग बजा के क्या हमने छुट्टी करनी है स्कूल में। चलो मारो गोली, आगे बढ़ते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ आज का गेम प्ले जेंग खत्म करें, दो बॉसेस मार लिए हैं आज, अगला जो भी बॉस मारना होगा अगले गेम प्ले में मारेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स मेरा गेम प्ले यहीं पर ख़त्म होता है, आपको मैं मिलूँगा अगले गेम प्ले में। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।